हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा मोटिवेशन है कि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो बच्चों लग जाओ जी जान से मेहनत करके आज हमारे साथ। आज हम आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सिखाएंगे। देखो, हमारे सामने टॉपिक दे रखा है केमिकल रिएक्शंस बैलेंसिंग। बैलेंस कैसे करेंगे सेकेंडों में। देखो, हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा कंपाउंड दे रखा हो, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको ही उठा लो। यहाँ पर क्लोरीन कितने दे रखे हैं? दो। और यहाँ पर क्लोरीन कितने दे रखे हैं? तीन। ये क्लोरीन हमारे दो हैं और यहाँ कितने हैं? तीन हैं। इसी को बैलेंस कर लो। तीन की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और दो की इधर कर देनी है। यह हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम का मतलब जानते हो, मैथ में सब लोग पढ़े हुए। एलसीएम क्या करता है? बैलेंस ही बनाता है। तीन की इधर कर दो तो हमारा ये थ्री हो गया, और ये टू इधर ले आओ तो ये कितना हो गया? टू हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमारे कॉपर बेचारे तीन है, ये अकेला बैठा है, तो इसको भी तीन दे दो। उसके बाद फिर क्या है, एल्यूमिनियम यहाँ पर दो है, ये अकेला है, तो इसको भी दो दे दो। रिएक्शन हमारी क्या हुई? बैलेंस हो गई। ऐसे यहाँ आ जाते हैं, एक को उठा लो, चाहे सल्फेट वाले को चाहे क्लोरीन वाले को। अगर हम सल्फेट वाले को उठाना चाहें तो सल्फेट यहाँ कितने हैं? तीन है, और यहाँ सल्फेट कितना है? एक है। यानी तीन की मल्टीप्लाई इसमें और एक की मल्टीप्लाई इस वाले में। एक की मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं, तीन की करो तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये थ्री आ गया जा करके। उसके बाद फिर अब ऐसे ही देखो, यहाँ पर बेरियम कितने हैं? थ्री हैं, तो यहाँ पर बेरियम कितने बना दो? थ्री बना दो। अब उसके बाद ये एल्यूमिनियम तुम्हारे कितने हो गए? दो हो गए, तो यहाँ एल्यूमिनियम भी कितने दे दो? दो दे दो। बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ऐसे ही हम अगले उस पर चलते हैं। अगली रिएक्शन दे रखी जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की, तो यहाँ पर नाइट्रेट हमारे कितने हैं? एक है, क्योंकि एनओ थ्री पूरा एक ही होता है, और यहाँ पर नाइट्रेट कितने हमारे? दो हैं, तो दो की मल्टीप्लाई इधर और एक की इधर। दो यहाँ ले लो, एक यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं। अब देखो, सिल्वर यहाँ दो हो गए, यहाँ ये बेचारा अकेला बैठा, इसको दो दे दो। बस हमारे देखो आराम से रिएक्शन बैलेंस हो गई। मिलाना चाहो तो देख लो, यहाँ पर एल्यूमिनियम दो है, एल्यूमिनियम दो है, कॉपर तीन, और कॉपर कितने? तीन। क्लोरीन दो तिया छह, क्लोरीन तीन दुना छह, बैलेंस है। इधर बेरियम हमारे तीन है, इधर भी बेरियम तीन है। क्लोरीन टू थ्री जा सिक्स, क्लोरीन थ्री टू जा सिक्स, एल्यूमिनियम टू और एल्यूमिनियम कितने हैं? टू है। सल्फेट थ्री है, यहाँ पर यहाँ भी सल्फेट कितने हो गए? थ्री हो गए। बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी। देखो, एक अगली रिएक्शन और हम ले लेते हैं। एक रिएक्शन हमारी दे रखी है, एल्यूमिनियम है एल, उसके बाद आगे दे रखा है इसी में ओ एच, एल ओ एच का होल थ्राइस, फिर ये दिया है ए एल टू ओ थ्री प्लस ये है एच टू ओ। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो देखो, यहां पर सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, एल्यूमिनियम बैलेंस कर लें। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? एक है, और यहाँ कितने हैं? दो हैं। यानी तुमको दो की मल्टीप्लाई इधर करनी है, एक की इधर करनी है, तो यहाँ दो से कर दो, हो गई कहानी बराबर। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन चेक कर लो, ये कितने हैं? तीन दुना छह हैं। इसमें तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पर करो, हाँ भाई छह बना दो, तीन दुना छह, बस बैलेंस हो गई कहानी। ठीक, रिएक्शन हमारी आराम से बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम चुटकी बजाते ही रिएक्शन आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करने में हमको बस एलसीएम ध्यान रखना है। क्या करना है कि जो बड़ा कंपाउंड हो, ठीक है, उसको नीचे लिख लो, इधर इधर रख लो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत सेकंडों में रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।